उत्तर प्रदेश में चुनावी बयार बह रही है और इसी के साथ भड़काऊ और जहरीले भाषणों का दौर भी शुरू हो गया है। ताजा मामला साहिबाबाद का है, जहां बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिमी यूपी में हालात 27 साल पुराने कश्मीर जैसे हैं। जब मैं पश्चिमी यूपी को देखता हूं तो उसके सामाजिक ढांचे और जनसांख्यिकी देखकर मुझे पछतावा होता है। 1990 को हिंदुओं को सामूहिक तौर पर कश्मीर से पलायन करना पड़ा था। वहां एक नरसंहार हुआ था, माताओं और बहनों के सम्मान को खुले तौर पर बेआबरू किया गया था। ऐसी स्थिति अगर हमने कहीं देखी है तो वह या तो बंगाल में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना और कांधला में। उन्होंने कहा, क्या कैराना कोई मुद्दा नहीं है? क्या कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है? अगर इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को टॉर्चर किया जाता है तो क्या यह मुद्दा नहीं है? लेकिन अगर अल्पसंख्यक समुदाय के पैर में कोई कांटा भी चुभ जाता है तो वह एक मुद्दा बन जाता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं पश्चिमी यूपी को असुरक्षित मानता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में डर नहीं लगता क्योंकि हम वहां पर वही भाषा इस्तेमाल करते हैं जो लोग समझते हैं और वह ठीक हो जाते हैं। इस रैली में उनके साथ गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान आदित्यनाथ अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ भी करते नजर आए। तो आदित्यनाथ के बयान से साफ होता है कि बीजेपी कथित कैराना पलायन मुद्दे को विधानसभा चुनावों में जोर शोर से उठाना चाहती है। आदित्यनाथ से पहले भाजपा के एक और विधायक सुरेश राणा भी कैराना को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।